नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। वैसे तो इतिहास के पन्नों में 25 मार्च के नाम कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। 25 मार्च 1788 में समाचार कलकत्ता गैजेट में पहली बार भारतीय भाषा बांग्ला में विज्ञापन फारूक शेख का जन्म और ब्रिटेन की संसद द्वारा दास प्रथा को खत्म किया जाना शामिल है। इन घटनाओं के अलावा एक और शख्सियत का नाम इस तारीख पर दर्ज है। वो नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी का। 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतरसुइया मोहल्ले में कायस्थ परिवार में जन्मे गणेश शंकर विद्यार्थी की आज के ही दिन 25 मार्च 1931 को दंगाइयों ने कानपुर के चौबे गोला चौराहे पर चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। पत्रकारिता जगत में अपनी पहचान बनाने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी का बचपन मुंगावली में बीता। दरअसल उनके पिता जय नारायण मुंगावली के एक स्कूल में हेडमास्टर थे। विद्यार्थी जी की पढ़ाई की शुरुआत उर्दू से हुई और 1905 ईस्वी में उन्होंने भेलसा से अंग्रेजी मिडिल परीक्षा पास की। उन्होंने सन 1907 में प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में एंट्रेंस परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में दाखिला लिया। इसी समय से उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर दिखने लगा और वे प्रसिद्ध लेखक पंडित सुंदरलाल के साथ उनके हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी के संपादन में सहायता करने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण लगभग एक वर्ष तक अध्ययन के बाद सन 1908 में उन्होंने कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 रुपए महीने की नौकरी की, पर एक अंग्रेजी अधिकारी से कहा सुनी हो जाने के कारण नौकरी छोड़ कानपुर के पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में सन 1910 तक अध्यापन का कार्य किया। इसी दौरान उन्होंने सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज तथा हितवार्ता जैसे प्रकाशनों में अपने लेख लिखे। उन्होंने विद्यार्थी उपनाम अपनाया और इसी नाम से लिखते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने हिंदी पत्रकारिता जगत के अगुआ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने विद्यार्थी को सन 1911 में अपनी साहित्यिक पत्रिका सरस्वती में उप संपादक के पद पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया। पर विद्यार्थी की रुचि सैम सामिकी और राजनीति में ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने हिंदी साप्ताहिकी अभ्युदय में नौकरी कर ली। पत्रकारिता जगत में पूरी तरह से मंच जाने के बाद सन 1913 में विद्यार्थी कानपुर वापस लौट गए और एक क्रांतिकारी पत्रकार और स्वाधीनता कर्मी के तौर पर अपने जीवन की नई शुरुआत की। अन्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करने के लिए विद्यार्थी जी ने अपनी पत्रिका प्रताप का प्रकाशन शुरू किया। प्रताप के माध्यम से उन्होंने पीड़ित किसानों, मिल मजदूरों और दबे कुचले गरीबों के दुखों को उजागर किया। हालांकि इस दौरान उन्हें अपनी क्रांतिकारी पत्रिका के कारण बहुत कष्ट भी झेलने पड़े। अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर कई मुकदमे किए, भारी जुर्माने लगाए और कई बार गिरफ्तार कर जेल भी भेजा, लेकिन उनका प्रयास निरंतर जारी रहा। जेल से छूटने के बाद वह फिर से अपने काम में निडरता से लग जाते थे। सन 1916 में महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को पूर्णतया स्वाधीनता आंदोलन में समर्पित कर दिया। उन्होंने सन 1917-18 में होम रूल आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों की पहली हड़ताल का नेतृत्व किया। सन 1920 में उन्होंने प्रताप का दैनिक संस्करण आरंभ किया और उसी साल उन्हें रायबरेली के किसानों के हितों की लड़ाई करने के लिए 2 साल की कठोर कारावास की सजा हुई। सन 1922 में विद्यार्थी जेल से रिहा हुए, पर सरकार ने उन्हें भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। सन 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया, पर उनके स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था, फिर भी वे जी जान से कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की तैयारी में जुट गए। सन 1925 में कांग्रेस के राज्य विधानसभा चुनावों में भाग लेने के फैसले के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए और सन
1929 में त्यागपत्र दे दिया। जब कांग्रेस ने विधानसभाओं को छोड़ने का फैसला लिया, सन 1929 में ही उन्हें यूपी कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया और यूपी में सत्याग्रह आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सन 1930 में उन्हें गिरफ्तार कर एक बार फिर जेल भेज दिया गया, जिसके बाद उनकी रिहाई गांधी इरविन पैक्ट के बाद 9 मार्च 1931 को हुई। मार्च 1931 में कानपुर में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने आतंकियों के बीच जाकर हजारों लोगों को बचाया, पर खुद एक ऐसी ही हिंसक भीड़ में फंस गए जिसने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। एक ऐसा मसीहा जिसने हजारों लोगों की जानें बचाई और उसी भीड़ की एक टुकड़ी ने उनकी ही जान ले ली। उनके बलिदान दिवस पर शत शत नमन करती हूं। नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज़।